नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 इस वक्त सिनेमा घरों में जमकर बवाल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हुई भी दिख रही है, जहाँ फिल्म ने रिलीज होते के साथ ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है, जिसकी चर्चाएं अब हर जगह तेज हो गई है। दरअसल सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 ने रिलीज के पांचवें दिन भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने इंडिपेंडेंस डे पर 55 करोड़ रुपए की कमाई की है और इसके साथ ही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में 15 अगस्त के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 229 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 290.59 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और जल्द ही ये 300 करोड़ की क्लब में भी शामिल हो जाएगी। गदर 2 को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म इंडिपेंडेंस डे पर 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और ठीक ऐसा ही हुआ। वहीं ये फिल्म सनी देओल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इसी के साथ फिल्म को मिली अपार सफलता के बाद फिल्म के मेकर सहित फिल्म के स्टार का सभी के सभी खुशी से झूम उठे हैं। बता दें कि फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर भी रिलीज होने के काफी फायदे मिले हैं। पहले पठान और अब गदर 2, इन दो फिल्मों की बम्पर सक्सेस ने सबसे ज्यादा फायदा दिया है सिल्वर स्क्रीन थिएटर्स को। इन मास एंटरटेनर फिल्मों ने छोटे शहरों के दर्शकों को सिंगल स्क्रीन थिएटर तक खींच कर लाने में काम किया है। लेकिन इन सबसे हटकर गदर 2 की इतनी कमाई सुनकर आपका क्या रिएक्शन है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।